आज हम लोग जो है क्लास जो है सेवेंथ क्लास सेवेंथ का क्लास सेवेंथ है मेरे बच्चों, ये क्लास सेवेंथ का जो है इंग्लिश चैप्टर 13 गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुरु नानक गुरु नानक के बारे में देखिए, हमने कल जो है यहां तक हमने पढ़ाया था ये कि मेनी मैन एंड ओ मैन केम टू लिसन टू देम, है ना। यहां तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे। इसे आगे नानक लेफ्ट दैट द हिंदू हेटेड द मुस्लिम एंड द मुस्लिम हेटेड द हिंदू, है ना। नानक लेफ्ट, अब देखिए नानक लेफ्ट दैट द हिंदू हेटेड मुस्लिम एंड मुस्लिम हेटेड, हेट मींस घृणा करना, है ना। नानक फेल्ट फेल्ट है तो सॉरी नानक फेल्ट दैट द हिंदू हेटेड द मुस्लिम एंड मुस्लिम हेटेड द हिंदू, ठीक है। ये यानी नानक ने अनुभव किया कि हिंदू मुसलमानों से घृणा करते हैं और मुसलमान हिंदुओं से घृणा करते हैं, है ना। नानक ने फिर इस अनुभव किया कि हिंदू मुसलमानों से घृणा करते हैं और मुसलमान जो है हिंदुओं से घृणा करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, दिस इज गॉड दिस इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है, है ना, यह अच्छा नहीं है। ही वुड से, उन्होंने कहा गॉड इज वन एंड ही इज आवर फादर, ईश्वर एक है, वह हम लोगों का क्या है, पिता है, ठीक है, ईश्वर एक है। उन्होंने यह अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा भगवान एक है और वह हमारा पिता है, इसलिए सो थस, ठीक है, थस वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, इस प्रकार हम लोग सभी भाई और बहन हैं। वी शुड लव ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। नानक पुट ऑल हिज आइडियाज इन पोएट्री, नानक पुट हिज पुट ऑल हिज आइडिया इन पोएट्री, नानक ने अपने सभी विचारों को कविता के रूप में लिखा। देन मने तब, देन ही तब बाला एंड मर्दाना सैंग सैंग दे टुगेदर, तब वे बाला और मर्दाना के साथ, मर्दाना उन्हें साथ साथ गाने लगे। तब जो है वे बाला और मर्दाना यानी नानक जी बाला और मर्दाना जो है उन्हें साथ साथ गाने लगे, वे बाला और मर्दाना साथ साथ क्या करने लगे, गाने लगे। सुन सुन माने जल्द ही नानक्स हेमेंस बिकम वेरी पॉपुलर, सुन शीघ्र ही नानक के भजन बहुत प्रसिद्ध हो गए, नानक के भजन जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए। जल्द ही नानक के जो है भजन प्रसिद्ध हो गए। पीपुल sang them एट द टाइम ऑफ देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग prayers, लोग उन्हें अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना के समय गाने लगे, ठीक है। लोग उन्हें अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना
देखिए, शॉर्टली आफ्टरवर्ड नानक स्टार्टेड हिज जर्नी टू वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. शॉर्टली आफ्टरवर्ड नानक स्टार्टेड हिज जर्नी टू वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. अब देखिए भाई, उसके बाद नानक ने भारत के अलग अलग भागों की अपनी यात्रा शुरू की और सभी तरह के लोगों से मिले. ऑल टाइप्स ऑफ पीपल है ना, वेरियस ऑल टाइप्स ऑफ पीपल. Shortly afterward, Nanak started his journey to various part of India and met all types of people. जो है उसके बाद नानक ने भारत के अलग अलग भागों की अपनी यात्रा शुरू की और वे सभी तरह के लोगों से मिले. ठीक है, he is reported to have gone to Makkah and Medina also. He is reported to have gone to Makkah and Medina. है ना, कहा जाता है कि वे मक्का और मदीना भी गए. कहा जाता है कि वे मक्का और मदीना भी गए. ठीक है, वेरियस स्टोरीज एंड इंसिडेंट कनेक्टेड विद दीज वांडरिंग्स आर रिकॉर्डेड इन साखी. देखिए कह रहा है वेरियस स्टोरीज, विभिन्न प्रकार के जो कहानियां हैं, एंड इंसिडेंट कनेक्टेड विद दीज, इससे जो जुड़ी हुई हैं, वांडरिंग आर रिकॉर्डेड इन साखी. साखी में क्या की गई, रिकॉर्ड की गई है ना भाई. देखिए क्या कहा है, वेरियस स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स कनेक्टेड विद दीज वांडरिंग आर रिकॉर्डेड इन साखी. इन घुमक्कड़ यात्राओं से संबंधित कई घटनाओं और कहानियों को साखी में सम्मिलित किया गया. Once at Haridwar he saw a large crowd bathing in the river Ganga. एक बार हरिद्वार में उन्होंने एक विशाल भीड़ को गंगा में स्नान करते हुए देखा है ना. Once at Haridwar he saw a large crowd bathing in the river गंगा. एक बार हरिद्वार में उन्होंने एक विशाल भीड़ को गंगा में स्नान करते देखा. Some people were pouring water towards the sun. Some people were pouring water towards the sun. कुछ लोग है ना, कुछ लोग सूरज की तरफ पानी दे रहे थे. कुछ लोग क्या कर रहे थे, सूरज की तरफ पानी दे रहे थे. सम पीपुल वेयर प्यूरिंग वाटर टुवर्ड द सन. कुछ लोग सूर्य की तरफ पानी दे रहे थे है ना. व्हाट आर यू डूइंग, नानक आस्क्ड देम. नानक ने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो. वी आर ऑफरिंग वाटर टू आवर फोर फादर्स. दे सेड है ना भाई, हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं. उन्होंने कहा हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं. उन्होंने कहा, जो लोग स्नान कर रहे थे, जो सूर्य की तरफ जो है भाई जल दे रहे थे, उन्होंने उनसे जो है जब नानक ने पूछा कि तुम आप लोग क्या कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं, है ना। दे से उन्होंने कहा, वेयर आर दे, नानक आस्क्ड, नानक ने पूछा वे कहाँ हैं, नानक ने पूछा वे कहाँ हैं, है ना, वे कहाँ हैं, नानक ने पूछा, भाई नानक ने पूछा कि वे कहाँ हैं। अब देखिए, दे आर हीवेन करोड़ ऑफ माइल अवे, रिप्लाइड वन ऑफ देम, वे स्वर्ग में हैं करोड़ों मील दूर। उनमें से एक ने जवाब दिया, कि वे स्वर्ग में हैं करोड़ों मील दूर, है ना। अब देखिए भाई, ऑन हियरिंग दिस नानक टर्न हिज बैक एंड स्टार्टेड प्यूरिंग वाटर इन द अदर डायरेक्शन। यह सुनकर नानक ने अपनी पीठ घुमाई और दूसरी दिशा में पानी देना शुरू कर दिया, ठीक है। यह सुनकर नानक ने अपनी पीठ घुमाई और दूसरी दिशा में पानी देना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है भाई, व्हाट आर यू डूइंग, आज द मैन इन सरप्राइज, आज तुम क्या कर रहे हो, आदमी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो। नानक रिप्लाइड, नानक ने उत्तर दिया, आई है माई फील्ड इन पंजाब, आई एम वाटरिंग देम। नानक रिप्लाइड, नानक ने उत्तर दिया, आई हैव माई फील्ड इन पंजाब, आई एम वाटरिंग देम, मेरे खेत पंजाब में हैं, मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ। मेरे खेत पंजाब में हैं, मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ कैन दिस वाटर रीच योर फील्ड सो फार अवे, ही आस्क्ड, है ना। यह पानी इतनी दूर से तुम्हारे खेतों में कैसे पहुंच सकता है, उसने पूछा, उसने पूछा कि तुम्हारे खेत में यह पानी इतनी दूर से तुम्हारे खेतों में कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। इफ योर वाटर कैन रीच हेवन, व्हाई कैन नॉट माई वाटर रीच माई फील्ड, रिप्लाइड नानक स्माइलिंग, है ना। यदि तुम्हारा पानी स्वर्ग तक पहुंच सकता है, मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता, नानक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। भाई नानक ने मुस्कुराते हुए दिया उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पानी स्वर्ग तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता, है ना। अब देखिए, इट इज ओनली थ्रू गुड एक्शन दैट वी कैन ऑनर आवर फोर फादर्स, है ना। केवल सत्कार्यों से ही हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं, केवल सत्कार्यों से ही। सत्कार्यों से मतलब क्या है बच्चों, अच्छे कार्यों से, है ना। केवल अच्छे कार्यों से ही हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इन हिज ओल्ड एज गुरु नानक सेल्टेड एट करतारपुर, है ना। इन हिज ओल्ड एज गुरु नानक सेल्टेड एट करतारपुर, अपनी वृद्धावस्था में गुरु नानक करतारपुर में रहने लगे। ही कंटिन्यूड टू लिव एज ए हाउस होल्डर, वह गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ही कंटिन्यूड टू लिव एज ए हाउस होल्डर, वह गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे।
thousand of people flocked to him and accepted his teachings. हजारों लोग उनके समक्ष एकत्रित हुए और उनकी शिक्षा को स्वीकारा. They came to be known as the Sikhs. Sikh, है ना? वे सिख नाम से जाने गए. वे सिख नाम से जाने गए. They came to known as the Sikh. वे सिख के नाम से जाने गए. गुरु नानक believed in one God. गुरु नानक के भगवान में विश्वास करते थे. He insisted upon beauty of heart and noble action. है ना? He insisted upon beauty of heart and noble action. देखिए क्या कर रहे हैं. उन्होंने हृदय की शुद्धता और अच्छे कार्यों पर जोर दिया. ठीक है. He taught in a simple and homely language. उन्होंने सादी और घरेलू भाषा में शिक्षा दी. He was against rituals and outwards show. वह कर्मकांडों और बाहरी दिखावे के विरोधी थे. He is one of the great sons of India. वह भारत के महान संतों में से एक थे. ठीक है बच्चों. ये है था जो है गुरु नानक से रिलेटेड कहानी, जिसमें गुरु नानक जी ने जो है शिक्षा दी है. ठीक है, लोगों को बताया है. भाई देखिए किस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो है पानी दे रहा था. कहीं ये एक बार अगेन इसको देख लेंगे बच्चों. गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख. गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे. ही वाज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1469 एट विलेज तलवंडी नियर लाहौर नाउ इन पाकिस्तान. वह लाहौर के पास तलवंडी गांव जो अब पाकिस्तान में है 14 नवंबर 1469 यानी में पैदा हुए थे. हिज फादर मेहता कालू वाज ए ब्लेज रिकॉर्ड कीपर. उनके पिता मेहता कालू गांव के मुकद्दम थे, रिकॉर्ड रखने वाले थे. तो रिकॉर्ड रखने वालों का कहा जाता था मुकद्दम, है ना. His mother's name was Tripta. उनकी माता का नाम तृप्ता था. His sister Nanki was 5 years older than he. उनकी बहन नानकी उसे 5 वर्ष बड़ी थी. The family was not rich. उनका परिवार धनी नहीं था. उनका परिवार अमीर नहीं था. ठीक है. He was a good looking एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, है ना. वह सुंदर और बुद्धिमान बालक थे. हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डीपली. उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे. एट द एज ऑफ 5 ही वाज सेंट टू स्कूल. 5 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया. हाउएवर यद्यपि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द फार्मर टीचिंग.
वह औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। ही पुट स्ट्रेंज क्वेश्चन टू हिज टीचर। वह अपने अध्यापकों से विचित्र प्रश्न पूछते थे। ही वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट बियॉन्ड हिज एज। वह अपने उम्र के हिसाब से ज्यादा बुद्धिमान और होशियार थे। ठीक है। ही डिड नॉट देयरफॉर स्टे लॉन्ग एट स्कूल। इसलिए वह स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रह सके, है ना, नहीं रुक पाए भाई। एज ए चाइल्ड ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। बच्चे के रूप में वह अन्य बच्चों से अलग थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन हिज फादर्स फील्ड एज ए कैटेज ग्रेजर। कैटेज ग्रेजर। वह अपने पिता के खेतों में चरवाहे के रूप में काम करना नहीं चाहते थे। ही केप्ट ड्रीमिंग एंड थिंकिंग ऑल द टाइम ऑफ गॉड। वह हमेशा भगवान के बारे में सोचते और ख्याल करते रहते थे। इन ऑर्डर टू टर्न नानक माइंड टू वॉर्डली अफेयर मेहता कालू मैरिड हिम ऑफ ईयरली एट द एज ऑफ 14। इवन दैट देट डिड नॉट हैव ए डिजायर इफेक्ट। ठीक है ना। कहने का तात्पर है नानक देव का ध्यान सांसारिक कार्यों में लगाने के लिए इन ऑर्डर टू टर्न नानक माइंड टू वर्ल्डली अफेयर्स। नानक देव का ध्यान सांसारिक कार्यों में लगाने के लिए कहला मेहता कालू मैरिड हिम ऑफ ईयरली एट द एज ऑफ 14। मेहता कालू ने 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका विवाह कर दिया। इवन दैट डिड नॉट हैव ए डिजायर इफेक्ट। मगर इसका भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। हो ही लाइक ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड एट ही डिड नॉट सीम टू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। है ना। अब देखिए यद्यपि वे इस संसार में रहते थे तो भी वे इस संसार के प्रतीत नहीं होते थे। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एलोन ड्रीमिंग फॉर आवर एंड थिंकिंग ऑफ गॉड। है ना। वह अपना अधिकतर समय अकेले मंथन करने और भगवान के विषय में सोचने में बिताते। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ मेनी क्वेश्चन। उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन थे, है ना, उनके मस्तिष्क में बहुत से भाई प्रश्न थे। बट लेकिन नन गिव हिम सेटिस्फाई आंसर। लेकिन कोई भी जो है संतुष्टिपूर्ण जो है उत्तर नहीं दे सका भाई ईश्वर का। उनका मस्तिष्क बहुत से प्रश्नों से भरा रहता था लेकिन कोई भी उन्हें संतोषपूर्ण उत्तर नहीं दे सका। मेहता कालू वाज मच वरीड अबाउट हिज सन। मेहता कालू अपने बेटे के विषय में बहुत चिंतित रहते थे। ही थॉट नानक हैज नो इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। वह सोचते नानक को खेती में दिलचस्पी नहीं है। मे बी ही विल डू वेल इन ट्रेडिंग। है ना। हो सकता है वह व्यापार में अच्छा करे। सो मने इसलिए ही गेव हिम सम मनी टू बाई गुड्स एंड टू स्टार्ट बिजनेस। इसलिए जो है भाई
इसलिए उन्होंने व्यापार करने और माल खरीदने के लिए कुछ धन दे दिया। नानक सेट आउट फ्रॉम होम विद द मनी, नानक धन के साथ घर से बाहर निकले। ही हैड गॉन ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने पर वेन ही मेट सम साधु, है ना, वह थोड़ी ही दूर गए जब उन्हें साधु मिले। दे लुक्ड वेरी वीक एंड थिन, वे बहुत कमजोर और पतले दिखते थे। They said that they had not eaten anything for many days, है ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। नानक एट वंस गेव ऑल द मनी ही हैड, है ना भाई, नानक ने तुरंत ही सारा धन उन्हें दे दिया जो उनके पास था। द होली मैन स्पेंड इट ऑन देयर फूड, उन पवित्र आत्माओं यानी साधुओं ने उसे अपने भोजन पर व्यय कर दिया। दे ब्लेस्ड नानक एंड सेड दैट ही वुड बिकम ए ग्रेट मैन इन हिज लाइफ, है ना, उन्होंने नानक को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपने जीवन में एक महान मनुष्य बनेंगे। नानक रिटर्न होम, नानक घर वापस आ गए। When questioned by his father, he replied, "I have entered into a pure bargain, nisachcha sadhu, with my money." अब देखिए क्या होता है भाई, नानक घर लौट आए, पिता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा मैंने अपना सारा धन जो है अपने धन से सच्चा सौदा किया है, अब देखिए भाई, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उनके पिता बहुत क्रोधित हुए। He was fed up with the strange action of his son. वह अपने बेटे के विचित्र कार्यों से बहुत परेशान हो गए। He sent him away to his elder sister नानकी, है ना, उन्होंने उन्हें उसकी बड़ी बहन नानकी के पास भेज दिया। Who was living at सुल्तानपुर कहाँ है बच्चों, इन पंजाब, विथ हर हस्बैंड, है ना, जो अपने पति के साथ सुल्तानपुर इन पंजाब में रहती थी। नानकीज हस्बैंड फाउंड ए जॉब फॉर नानक इन ए ज्वेलरी ग्रेलरी, है ना, नानकी के पति ने नानक के लिए हत्ती में एक काम ढूंढा। नानक नाउ डिड हिज जॉब वेल एंड एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हिम, है ना, देखिए भाई, नानक ने अपना काम ठीक से किया और सभी उनसे खुश थे। आफ्टर सम टाइम नानक रोट ए लेटर टू हिज फादर, कुछ समय बाद नानक ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड ए सर्वेंट नेम्ड मर्दाना टू सुल्तानपुर, उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया, है ना, कि सर्वेंट जो नौकर मर्दाना है, मर्दाना नाम के नौकर को सुल्तानपुर भेजने के लिए। मर्दाना आया एंड ही स्टार्टेड लिविंग विथ नानक, और नानक के साथ रहने लगा। देखिए बच्चों, यहाँ तक मैंने अगेन पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में इस बार मैं पढ़ाऊँगा और इस पढ़ाने के साथ साथ आप
आपके क्वेश्चन को जो है करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।